प्रिय भाइयों बहनों, एक क्षण शांत रूप से अपने पिता ईश्वर को आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद दें। अपनी आंखें जोड़े, अपनी आंखें मींदे, अपने हाथ जोड़े, हमारे प्रभु को धन्यवाद दे कि आज फिर से हम यह दिन देखने पाए। हम हमारे परिवारों के लिए, विशेष रूप से हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे परिवारों में उपस्थित सभी बुजुर्गों, बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की दया, उनकी सहायता और कृपा हमेशा उनके साथ रहे। हम विशेष रूप से सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे बीच में आज नहीं है। इस मिस्सा के फलस्वरूप ईश्वर की शांति और स्वर्ग का आनंद उन्हें प्राप्त हो। हम आज इस पास्का के दिन पर विशेष रूप से अपने आप के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु प्रेम में बंधे रहें। जिस प्रकार हम प्रभु से दूर हो चुके थे, उसी प्रकार हम प्रभु के पास वापस आए। हमारी सारी प्रार्थनाओं को, सारी इच्छाओं को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हुए यह मिस्सा बलिदान हम भक्ति और विश्वास के साथ आरंभ करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों बहनों, सभी को पास्का पर्व की बधाइयां। हैप्पी ईस्टर टू एवरीवन। आज हम में से कितने लोग यहाँ बदलाव लाने के लिए आए हैं, हम सभी लोगों के लिए एक प्रश्न। हम लोग हर दिन मिस्सा में आते हैं, मिस्सा में भाग लेते हैं, मिस्सा से चले जाते हैं, घर जाकर हमारे दैनिक दिन के कार्यकाज करते हैं। आज जब हम इस मिस्सा बलिदान में प्रस्तुत हैं, हम सभी लोगों के लिए एक निमंत्रण है रूपांतरित होने का, एक निमंत्रण है बदलाव लाने का। और उसका एक ही एक कारण है, वो पता है क्या? कि हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान, उनके मरण, जीवन और दुख भोग का एक अनुभव है। हमारा अनुभव हमारे रूपांतरण का कारण बनेगा, हमारा अनुभव हमारे जीवन में बदलाव का कारण बनेगा। यदि हमारे जीवन में वह बदलाव ना आए, तो हमने कभी प्रभु का अनुभव नहीं किया। आज जब इस मिस्सा बलिदान में हम उपस्थित हैं, हम अपने आप को प्रभु यीशु को चढ़ाएं और हर एक उस क्षण के लिए जब हम प्रभु प्रेम से दूर हुए हैं, जब हमने उनकी बातें नहीं सुनी, जब हमने मिस्सा में सही रूप से भाग नहीं लिया, जब हमने यह सोचा कि मुझे सब पता है, जब हमने हमारे माता पिता की बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने आप पर ज़्यादा विश्वास किया, जब हमने झूठ बोला, दूसरों की बुराई की और अपने कामकाज सही नहीं किए, जब हमने हमारे बपतिस्मा पर विश्वास नहीं किया, जब हमने प्रभु पर विश्वास नहीं किया जो इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रस्तुत है, उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे और कहें कि प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं फिर से आपका अनुयायी बन सकूं, आपका अनुभव कर सकूं और रूपांतरित हो सकूं।
भाई बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। पुत्र ने मृत्यु को पराजित करके हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम अपने प्रभु की पुनरुत्थान को महोत्सव मना रहे हैं। हम तेरी आत्मा द्वारा
नए प्राणी बनकर ज्योतिर्मय जीवन बिताने के लिए फिर से जी उठे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र क्रिस्त के द्वारा जो रित तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ दानियल का ग्रंथ अध्याय 10 से 34 37 से 43 प्रेरित चरित। पेत्रुस ने सतपति और उसके परिवार से कहा, नाजरेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार जुहान ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा समर्थ से विभूषित किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वंश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई ना उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ कलिसियों के नाम सम पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 4 एक से लेकर 4 तक। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दहिने विराजमान है। इसलिए उन पर की चीजों खोजते रहे। आप पृथ्वी पर नहीं उनको उन पर की चीजों को चिंता किया करो। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होगी तब आप भी उनके साथ महिमामित होकर प्रकट हो जाएगी। यह प्रभु की वाणी है।